इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इस तरह से वो खेलता है, इस तरह से तुम पास हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, इन दिस वे यू विल रीच दिया, इन दिस वे यू विल रीच दिया। इन दिस वे यह हमारा फार्मूला है, विच मीन इस तरह से यू विल रीच दिया, यह सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है, इन दिस वे ही प्लेस, इन दिस वे ही प्लेस, इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन दिस वे यू विल पास, इन दिस वे यू विल पास। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से वो बोलता है, इस तरह से वो बोलता है, इन दिस वे ही स्पीक्स, इन दिस वे ही स्पीक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस तरह से वो कहता है, इस तरह से वो कहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना।